जुनूनियत, The Dangerous Game of Love, Episode 3. दरवाजे पर नॉक की आवाज ने प्रज्ञा की धड़कनें बढ़ा दी थी। वो नहीं जानती थी कि अगर उसके दरवाजे के पीछे इस वक्त करण होगा तो वो क्या कर जाएगी। उसने अपने आप को थोड़ा संभाला। वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। दरवाजे की दूसरी तरफ उसके चाचा मनोहर खड़े हुए थे। उनके चेहरे की लकीरें उनके जीवन भर के संघर्ष की निशानी थी। प्रज्ञा के चाचा उसके पिता से काफी मिलते जुलते दिखते थे, इसलिए वो जब भी उनकी तरफ देखती थी तो उसे हमेशा महसूस होता था कि उसके पिता ही उसके पास है। उसके पिता के गुजर जाने के बाद प्रज्ञा इस दुनिया में पूरे तरीके से अकेली हो गई थी। अपने पिता के साए में पली बड़ी प्रज्ञा का साथ देने आखिर में उसके चाचा जी ही आए थे, और यही वजह थी कि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। इसलिए प्रज्ञा आज तक उनके उसूलों के तहत चली है। लेकिन क्या आज एक बार फिर उसे उनके उसूलों पर चलना होगा? क्या वो उनकी इज्जत के लिए अपना स्वाभिमान भूल जाएगी? प्रज्ञा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अपने चाचा की प्यार भरी आवाज सुनकर प्रज्ञा की आंखें एक बार और आंसुओं से भर गई। सुबह से वो इंतजार कर रही थी कि कोई उससे ये पूछे ताकि वो किसी को अपना दर्द सुना सके। लेकिन अब ऐसे इंसान ने उसे ये प्रश्न पूछा था कि प्रज्ञा चाहकर भी उनका जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए वो थोड़ी देर कुछ भी नहीं बोली। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम करण से बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों का साथ जन्म जन्म का है, फिर ये अचानक से सगाई तोड़ने की बात कहाँ से आई? तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम और कीर्ति मेरे लिए एक समान हो, और इसीलिए मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बेटा, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अपने इस परिवार के बारे में जरूर सोचना। करण की कंपनी की बदौलत ही हमारा घर चल रहा है। अगर उसने हमारी फैक्ट्री बंद करा दी तो हमारा क्या होगा? मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगा? इस दुनिया में उसके चाचा ही उसका परिवार थे। वो कैसे अपने दुख के कारण अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती थी? उसकी चाची सही कह रही थी, इन्हीं लोगों ने प्रज्ञा की देखभाल की है, फिर वो कैसे इन्हीं से उनकी जिंदगी छीन सकती थी? उसका मन गिल्ट से भर गया। उसने देखा कि उसके चाचा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। ये देखते ही प्रज्ञा का मन पिघल गया। अब उसे ना चाहते हुए भी करण को वापस अपनाना होगा, अपने दुख को साइड में रखकर अपने परिवार की खुशी को चूज करना होगा। वो तुरंत बोली, अरे चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करण से कल जाकर बात करती हूँ। ये सुनकर उसके चाचा का चेहरा खुशी से खिल उठा। प्रज्ञा समझ गई थी कि उसने सही डिसीजन लिया था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत प्रज्ञा को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था। कार में बैठा हुआ सिद्धांत प्रज्ञा को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उस रात के बाद मानो जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। दिन रात उसे हर जगह प्रज्ञा ही प्रज्ञा दिखाई दे रही थी। उस रात भले ही वो नशे की हालत में था, लेकिन उसे सब कुछ बहुत अच्छे से याद था। लेकिन वो ना चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। अपने सौतेले भाई की चाल में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे मालूम नहीं था कि जिस मोमेंट वो उस कमरे में कदम रखेगा उसी पर उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। प्रज्ञा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। वो जानना चाहता था कि करण ने आखिरकार ऐसा क्यों किया था, और इस वक्त वो वही करने जा रहा था। करण ने उसको मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। वो जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने देखा कि करण वहां एक टेबल पर ऑलरेडी बैठा हुआ था, और उसके माथे पर चिंता या गिल्ट की एक भी शिकन मौजूद नहीं थी। आखिर कोई अपनी मंगेतर को ऐसे किसी और मर्द के साथ सोने को कैसे भेज सकता है? सिद्धांत ने अपनी मुट्ठी गुस्से से बांध ली। वो इस करण को सबक सिखा कर रहेगा। करण उसके साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकता था? अब ये इतनी बड़ी बात बन गई थी कि उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ करण और प्रज्ञा के कारण डिस्टर्ब हो रही थी, और वो ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वो उस टेबल पर पहुंचा और बिना कुछ कहे डायरेक्ट अपनी चेयर पर बैठ गया। करण, जो कि अपनी ही दुनिया में गुम था, अचानक से सिद्धांत को देखकर चौंक गया, लेकिन अगले पल ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कैसी रही तुम्हारी कल की रात? मजा आया या नहीं? करण ने कहा। सिद्धांत का गुस्सा अपना पारा चढ़ गया। आखिर करण अपनी मंगेतर के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकता था? क्या उसका सौतेला भाई सच में इतना निर्दयी था? क्या चाहते हो करण, सीधे सीधे बोलो, तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। सिद्धांत ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। वो जानता था कि करण ने ये घिनौनी चाल अपने किसी फायदे के लिए ही चली होगी। देखा, इसीलिए तो तू मुझे पसंद है सिद्धांत, तू काम की बात करता है। दरअसल मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में है, और अगर मैंने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, करण ने उसे बताया। अच्छा, तो ये वजह थी कि करण इतनी नीचे गिर गया था। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा? सिद्धांत ने डिसबिलीव के साथ पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पैसों के लिए करण ऐसा भी कर सकता था। करण के चेहरे पर एक अलग ग्लिंट आ गई। उसने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली और टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे पता था कि प्रज्ञा तुमको शायद ही कुछ कर पाए, इसलिए मैंने तुम्हारी होटल रूम में एंटर होते वक्त की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है, और अगर ये वीडियो दुनिया वालों की नज़र में पड़ी तो तुम्हारी इमेज पर क्या असर होगा? करण ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा। सिद्धांत की आंखें शौक से बड़ी हो गई। करण सच में किसी भी हद पार करने को तैयार था। सिद्धांत जानता था
कि अगर ये फुटेज लीक हुई तो उसकी बड़ी बड़ी बिजनेस डील खतरे में आ जाएगी। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और करण की कॉलर पकड़ते हुए बोला, तू मुझे धमकाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? लेकिन इसके बावजूद भी करण के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। अब सिद्धांत को कोई प्लान बनाना होगा ताकि वो करण को उसकी चाल का स्वाद चखा सके। उसने करण को धक्का दिया और रेस्टोरेंट के बाहर चला गया। वो करण को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। अगली सुबह उठते साथ ही प्रज्ञा जल्दी से तैयार हुई ताकि वो करण से उसके घर जाकर मिले और उससे बात करे। वो अभी भी जानना चाहती थी कि करण असल में उससे प्यार करता था या नहीं, और अगर हाँ तो उसने वो हरकत क्यों की थी। भले ही प्रज्ञा उस रात को लेकर बहुत गुस्से में थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा उसके सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। प्रज्ञा को अभी तक उसका नाम तक मालूम नहीं था। वो करण के घर पहुंची, और क्योंकि उसे करण के घर का कोना कोना मालूम था, इसलिए प्रज्ञा बिना खटखटाए अंदर पहुंच गई। उसने घर पहुंचते ही करण को आवाज दी, लेकिन जब उसे करण की आवाज नहीं सुनाई दी तो वो डायरेक्ट उसके कमरे के बाहर पहुंच गई। करण का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। प्रज्ञा सीढ़ी चढ़कर उसके रूम के बाहर पहुंची। वो उसके कमरे पर नॉक करने ही वाली थी कि अचानक से उसे करण के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसका हाथ हवा में ही अटक गया। उसने अपना कान करण के कमरे के दरवाजे पर लगाया, और जैसे ही आवाजें उसके कान तक पहुंची उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण के कमरे से किसी औरत की आवाज आ रही थी, और वो आवाज कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन की नहीं थी। यकीनन जो कोई भी लड़की करण के साथ उसके कमरे में थी वो दोनों कुछ ऐसी गतिविधियों में व्यस्त थे जिसे सोचकर भी प्रज्ञा को घिन आ रही थी। कमरे से किसस की आवाजें आ रही थी। करण किसी और लड़की के साथ हम बिस्तर हो रहा था। प्रज्ञा को ये सुनकर इतना शौक लगा कि वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई, और अगले पल वो जमीन पर गिर गई थी। क्या होगा आगे? करण को सबक सिखाने के लिए सिद्धांत क्या प्लान बना रहा था? क्या वो करण को उसी की चाल का स्वाद दिला सकेगा? कौन थी वो लड़की जिसके साथ करण इतना इंटीमेट हो रहा था? और अब प्रज्ञा आगे क्या करेगी? कैसे वो अपने परिवार को बर्बादी से बचा पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 4। मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ थी तुम? करण की आवाज ने जमीन पर बैठी हुई प्रज्ञा को उसकी रियलिटी में वापस लाया। कुछ ही पलों पहले प्रज्ञा को रियलाइज हुआ था कि उसका मंगेतर सिर्फ एक क्रूअल इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चीटर भी था। इतने सालों में आज तक प्रज्ञा को इतना सा भी एहसास नहीं था कि करण उसकी पीठ पीछे ऐसा काम भी कर रहा था। अपनी स्टुपिडिटी के बारे में सोचकर प्रज्ञा के आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या वो करण के प्यार और उसकी मीठी बातों में इतनी फंस गई थी कि उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसका मंगेतर उसे चीट कर रहा था? करण के कमरे से फिर से एक मफल्ड आवाज आई, जिसे सुनते ही प्रज्ञा तुरंत खड़ी हो गई और करण के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। वो जानती थी कि उसे ऐसा करने से सिर्फ दर्द ही मिलेगा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। न जाने क्यों उसको उस लड़की की आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी वो सोच रही थी वो सच ना हो। वो एक साथ इतना सारा धोखा सहन नहीं कर पाएगी। आज तक उसे जिंदगी से कोई भी गिले शिकवे नहीं थे। भले ही उसके दोनों माता पिता उसके साथ दुनिया में नहीं थे, लेकिन आज तक प्रज्ञा अपनी जिंदगी से खुश थी। उसके पास उसका परिवार था, एक स्पेशल इंसान था जिसको वो जिंदगी भर के लिए अपना बनाने को तैयार थी। लेकिन कुछ ही दिनों में जिंदगी ने कुछ ऐसा रुक लिया था जिसके कारण अब प्रज्ञा के हाथों में चंद चीजें ही बची हुई थी। वो उन्हें भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें कस के बंद की और उस लड़की की आवाज पर कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन मानो जिंदगी प्रज्ञा से इस प्रकार रूठ गई थी कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो प्रज्ञा को अब दुख के अलावा कुछ और नहीं देगी। क्योंकि कुछ ही पलों में प्रज्ञा के कानों में उसकी कजन कीर्ति की आवाज मिली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी मंगेतर का करा धरा है। अगर वो तुमसे सगाई तोड़ने का नाटक नहीं करती तो मैं तुमसे हमेशा की तरह मिल पाती। उसके कारण ही घर में भी सब परेशान है, कीर्ति ने कहा। प्रज्ञा ने डोर का हैंडल अपने हाथों में बहुत कसके पकड़ लिया। उसे कैसे पता नहीं चला कि उसकी बहन ही उसकी पीठ में चाकू घोंप रही थी? उसकी आंखों से इतनी बड़ी सच्चाई कैसे छिपी रह गई? प्रज्ञा ने डोर को धीरे से खोला तो उसका दिल और भी दुख से भर गया। सामने बेड पर करण और कीर्ति एक साथ लेटे हुए थे। करण की बाहें कीर्ति की कमर को कसके पकड़ी हुई थी। कीर्ति करण के होंठों को किस कर रही थी। प्रज्ञा का गला इमोशन से भर गया। उसके मुंह से दर्द भरी एक सिसकी छूट गई। उसका मंगेतर और उसकी बहन उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। वो प्रज्ञा तो बिल्कुल एक डॉल की तरह है। तुम देखना मैं कैसे उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। कल ही वो मेरे पास अपने घुटनों पर चलते हुए आएगी और मुझसे शादी तोड़ने के लिए माफी मांगेगी। तुम देख लेना, करण ने कहा। करण की बातें सुन प्रज्ञा के मन में एक गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। उसका मंगेतर उसे एक कठपुतली समझता था। उसे लगता था कि प्रज्ञा उसके इशारों पर नाचने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। प्रज्ञा को अब रियलाइज हो रहा था कि उसने करण के बारे में कितना गलत सोचा था। जिसे वो देवता समान दर्जा देती आ रही थी, वही इंसान आज उसकी जिंदगी का राक्षस बन गया था। कीर्ति की हंसी की आवाज ने प्रज्ञा का अटेंशन अपनी तरफ खींचा। तुम अभी भी उस प्रज्ञा के पीछे क्यों पड़े हो?
मैं इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर में हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस प्रज्ञा का नाम लेते हुए थक नहीं रहे? फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत? कीर्ति की हंसी के पीछे के गुस्से को ना समझ पाना एक मूर्खता थी। प्रज्ञा कीर्ति का ये रूप देखकर बहुत अचंभे में थी। ये वही कीर्ति थी जिसके साथ प्रज्ञा ने बचपन में गुड़िया गुड़िया खेला था, जिसे उसने अपने सुख दुख की सारी बातें बताई थी, और वही कीर्ति उसके मंगेतर के साथ बेड शेयर कर रहे थे। कीर्ति को बेड से उठता देख करण ने उसे तुरंत अपनी बाहों में समेट लिया और उसे किस करते हुए बोला, अरे नहीं बाबा, मैं प्रज्ञा को प्यार व्यार नहीं करता। वो तो मेरे दादाजी ने मेरी शादी उससे तय की है और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता, वरना तो तुम ही मेरी पत्नी बनती। आई लव यू। ऐसे बोलते हुए उसने कीर्ति को दोबारा किस करना शुरू कर दिया। उस कमरे में दो लवर्स की आवाज गूंजने लगी। प्रज्ञा ने धीरे से दरवाजा बंद किया और करण के घर से बाहर निकल आई। वो और देर तक उन दोनों को अपना मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकती थी। वो और देर उन दोनों को एक साथ उस बिस्तर पर एक होते हुए नहीं देख सकती थी। ये दर्द जो वो अभी महसूस कर रहे थे उसने उसकी बॉडी को भी इतना वीक कर दिया था कि प्रज्ञा को एक कदम चलने के लिए भी किसी सहारे की मदद लेनी पड़ रही थी। करण के घर से बाहर निकलते ही प्रज्ञा एक लैंप पोस्ट के सहारे खड़ी हो गई। पिछले कुछ पलों में जो कुछ भी हुआ था वो उस सब को प्रोसेस करना चाहती थी। उसका दिमाग एकदम से नंब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो यहाँ आई थी करण को माफ करने और उसे अपने चाचा की फैक्ट्री की बात करने, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसे एक इतना बड़ा झटका मिलेगा जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सब देखने के बाद उसके मन में एक बात पक्का थी, वो करण से अपना बदला लेकर रहेगी। वो करण को कभी भी माफ नहीं करेगी। उसे जल्द से जल्द कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे वो अपने आप को और अपने परिवार को करण से बचा सके। और शायद इतने सारे इमोशंस प्रज्ञा के लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि ऐसा सोचते ही अगले पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो चक्कर खाकर वहीं रोड के किनारे गिर गई थी। लेकिन प्रज्ञा इस बात से अनजान थी कि जब वो अपने मन में करण और कीर्ति के खिलाफ प्लान बना रही थी, तभी रोड की दूसरी तरफ एक ब्लैक BMW कार में बैठा हुआ एक आदमी उसकी हर एक मूवमेंट को बड़ी ही गहराई से नोटिस कर रहा था। और जब वो चक्कर खाकर गिर गई, तब वो आदमी अपनी कार से निकलकर उसकी तरफ आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ अपने घर ले गया। क्योंकि जब अगली बार प्रज्ञा की आंखें खुली तो वो एक ब्लैक सीलिंग को देख रही थी। उसने अपने हाथों से बेड को छूकर महसूस करने की कोशिश की कि वो कहाँ है, लेकिन उसके हाथों के नीचे मखमल कंबल के अलावा कुछ भी नहीं आया। वो अभी भी पूरी तरह जागी नहीं थी, इसीलिए जब उसे अपने सामने एक दरवाजा खुलने की आवाज आई तो नींद से तुरंत उठकर बैठ गई और पैनिक के साथ यहाँ वहां देखने लगी। वो एक बहुत ही सुंदर कमरे में एक किंग साइज बेड पर लेटी हुई थी। उसके आजू बाजू कमरे की दीवार ग्रे कलर की थी और कमरे में हल्की मूड लाइट्स चालू थी जो कि प्रज्ञा को दोबारा नींद की तरफ खींच रही थी। जिस बेड पर वो थी वो बहुत ही सॉफ्ट था और उसका कंफर्टर वेलवेटी फील का था। उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी बहुत ही अमीर इंसान के कमरे में थी और जैसे ही ये बात उसके माइंड में रजिस्टर हुई उसका पैनिक डबल हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो ऐसे ही एक होटल रूम में एक स्ट्रेंजर के साथ थी। हड़बड़ाहट में प्रज्ञा ने अपने ऊपर से वो कंफर्टर हटाया और उसका हाथ जाकर नाइट टेबल पर रखे हुए ग्लास में जा लगा। वो ग्लास जमीन पर गिरा और 100 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन प्रज्ञा को अपनी घबराहट में कुछ भी नहीं समझ आया और वो तुरंत बेड से उठ गई, जिसके कारण अगले ही पल उसके पैर में उस ग्लास का एक टुकड़ा घुस गया। जब प्रज्ञा के मुंह से दर्द भरी चीख निकली तब उसने देखा कि एक मेड उस कमरे में आई थी और यही वजह थी कि प्रज्ञा अपनी नींद से जाग गई थी। वो मेड उसकी तरफ दौड़ी और बोली, मैम प्लीज शांति रखिए, आपको चोट आई है, प्लीज बेड पर वापस से बैठ जाइए, मैं आपकी चोट को देखती हूँ। लेकिन प्रज्ञा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो दोबारा से आगे बढ़ी और उसका पैर फिर से एक कांच के टुकड़े पर पड़ने ही वाला था कि तभी एक भारी आवाज ने कहा, क्या चल रहा है यहाँ? प्रज्ञा ने अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी अगली सांस उसके गले में ही अटक गई। क्या होगा आगे? कौन था वो आदमी जो प्रज्ञा को अपने साथ अपने घर ले गया था? और कैसे प्रज्ञा करण और कीर्ति को सबक सिखाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन Pocket FM.